कि कोई दुनिया हातिम हातिम को मुयस्सर ये नजारा तेरा तो कहे उठे देख के बख्शिश में ये रुतबा साउंड एंड रिकॉर्डिंग एस ए रेडियो मकराना के कुछ बशर होने के नाते तुझे खुद सा जाने जाने अगर ये लोग हैं ना ये लोग समझ गए ये लोग सिर्फ दो दिन ना नहाए तो इनके घर वाले उनको धक्के मार कर बाहर निकाल और मेरे आका की शान मेरे इमाम कुछ यूं बयान करके गए कि वल्लाह जो मिल जाए मेरे गुल का पसीना वल्लाह जो मिल जाए मेरे गुल का पसीना तो मांगे न कभी इत्र न फिर चाहे दुल्हन फूल आए हाय। अच्छा दूसरी बात यह कि पीर साहब ने इस तज़मीन के शेर में अब जो मैं शेर पढ़ूंगा तज़मीन वाला इसका जो तीसरा मिसरा लिखा है सरकार पीर नसीरुद्दीन नसी साहब ने और तीसरे मिसरे में जो तेवर दिखाए हैं जो जलाल दिखाए हैं मैं चाहूंगा कि उसी तेवर से आप सुनेंगे भी इंशाल्लाह ताला और पढ़ेंगे भी नहीं वो तेवर दिखना चाहिए है? तीसरा मिसरा देखें कि कुछ बशर होने के नाते तुझे खुद सा जाने और कुछ महज पयामी खुदा का जाने तीसरा मिसरा तेवर देखें अरे इनकी औकात ही क्या इनकी औकात ही क्या है कि ये इतना जाने इनकी औकात कि ये इतना जाने फर्श वाले तेरी शौकत लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती ना जो सुनने से नहीं बल्कि देखने समझ में आती अल्लाह अकबर तवज्जो है देखे फरमाते हैं कि चांदनी रात में चाबे का नजारा देखे
चांदनी रात में चांदनी रात में चाबे चाबे का नजारा देखे चांद को वो कभी सरकार कार का चेहरा चेहरा देखे फिर नतीजा क्या निकला नतीजा क्या निकला रिजल्ट क्या आया बोल उठे वो भी तो आखिर यही जुमला देखे तेरे कदम शख्स उसे हक बात करने से रोके तो अगर वो हक बात करने वाला बंदा अगर दिलेर होगा ना दिलेर हजरत जैसा है? तो वो बेसाख्ता कहेगा कि मैं हक बोलूंगा तुझसे जो तोड़ना है वो तोड़ ले मैं हक बोलूंगा तुझसे जो होता है वो कर ले ये एक अंदाज होता है मैं अपनी जुबान में कहूंगा कि मेरे इमाम ने अगले शेर में इसी अंदाज को इख्तियार किया अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर देखिए फरमाते हैं कि नजरे उशाक नबी है ये मेरा हर पे गरी मिंबरे बाज पे लड़ते रहे आपस में खतीब पर ये अकीदा रहे अल्लाह करे मुझे कौन से मैं तो मालिक ही कहूंगा के वो मालिक के हबीब मैं तो मालिक के वो मालिक ये मालिक ही कहूंगा मैं जो ही है ना ही वो उन लोगों के मुंह पर तमाचा है मैंने तो मारा मैंने अपना काम किया आप अपना काम करें आप भी मारे हैं मैं तो मालिक ही कहूंगा मैं तो मालिक ही कहूंगा मैं तो मालिक ही कहूंगा के गो मालिक के हबीब यानी मैं हूं
पाक के फकीर बैठे हैं, कादरी फकीर बैठे हैं ना, बगदाद के असीर बैठे हैं, मेरे और आपके आका मौला सरकार गौस पाक की शान में अगला शेर लिखा। देखिए फरमाते हैं कि तुझसे हर चंद वो है कदे कदे दो फजाइल मेरा फी कर नसीराज मगर फिकेरे रजा की तासीर क्यों क्योंकि पास है उसके शफाअत का वसीला। साउंड एंड रिकॉर्डिंग एस ए रेडियो मकराना। मेरे वासे पाक फरमाते जब मेरा आलम मुझसे फरमाता है अब्दुल कादिर खा ले तुझे मेरी कसम तब मैं खाता हूँ, जब मेरा आलम मुझसे फरमाता है अब्दुल कादिर पी ले तुझे मेरी कसम तब मैं पीता हूँ, कसमे दे दे
اس شعر کی ترجمانی حضرت مفتی سلمان ادری صاحب کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت کریں. دیکھیں فرماتے ہیں کیا دب ہے جس سے بھی ماہیت ہے کو خط تیرے ملاتا نہیں کوتا تیرا شیر کو خط تیرے ملاتا نہیں کوتا. اچھا کتوں میں بھی کیٹیگریز ہوتی ہیں. طرح طرح کے کتے ہوتے ہیں. کچھ کتے ہوتے ہیں کھلے کتے ہوتے ہیں, ہر کوئی اس کو چھیڑتا ہے. کچھ کتے ہوتے ہیں جو پٹے والے ہوتے ہیں, اس کو کوئی ہاتھ نگاتا ہے. کیوں؟ اس کا پٹا دیکھ کے معلوم پڑتا ہے کہ اس کا مالک موجود ہے, تو اس کو کوئی چھیڑتا نہیں ہے. اللہ اکبر, ہم بھی پٹے والے کتے ہیں. ہماری گردنوں میں بھی غوث پاک کا پٹا ہے, قادری پٹا ہے نا. تو ہماری دیکھیں سرکار, سرکار اعلی حضرت نے ہم کتوں کی شان میں لکھا اس نشانی کہ جو سگے نہیں مارے چاہتے اس نشانی صلی اللہ علیہ وسلم.